आप लोग क्लैपिंग से करो। मेरा नाम आवरा मंजूर है, मैं VTC मंडी की स्टूडेंट हूँ। आज रक्षाबंधन का दिन है, आप सबको पता ही होगा। तो आज हमारे VTC ट्रेनिंग सेंटर मंडी में 25 RR के कमांडिंग ऑफिसर्स और उनके साथ उनके जवान भी आए थे। हमारे VTC ट्रेनिंग सेंटर की स्टूडेंट्स ने उन सबको राखी बांधी और उनको विश किया और उनके लिए दुआ की कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें सलामत रहें। हैप्पी रक्षाबंधन। पहले मुबारकबाद देना चाहते हैं इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर, पूरे मुल्क को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, उसके बाद LG जम्मू कश्मीर को मुबारक और यहाँ की सेना को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। बिलखसूस 25 RR के CO साहब और डिप्टी CO साहब जितने भी यहाँ जवान आए हुए थे, इन बहनों ने इनको राखी बंधवाई और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यही एक खुशी की अलामत है और प्यार मोहब्बत की निशानी है और ख़ास कर NGO की तरफ से, ये जो रोहित मेमोरियल NGO की तरफ से यहाँ पे अली मोहम्मद मीर साहब ने यहाँ ये प्रोग्राम रखा हुआ था, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि फौजी भाइयों ने, यहाँ बहनों ने जो है राखी बांधी है फौजी भाइयों को, क्योंकि इन्हीं फौजी भाइयों की बदौलत हम आराम की नींद सोते हैं और ये सरहदों पे रक्षा करते हैं और हमारे सरहदों की हफाजत करते हैं या अपने आराम को हराम करते हैं, लेकिन लोगों को जो आराम देते हैं, लोग सुरक्षित हैं और बॉर्डर सुरक्षित हैं। हम फिर आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम CO साहब को मुबारकबाद के, आप सबको मुबारकबाद, पूरी सेना को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। शुक्रिया। मेजर रोहित मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन और ये जो आज यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पे मनाया गया, और मैं समझता हूँ कि फौज ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश के अंदर जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश की हिफाजत करते हैं। और आज जो हमने ये त्यौहार मना के, यही फौजी हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं। और आज यहाँ की मंडी की एक मिसाल है कि यहाँ की बच्चों ने जवानों को राखियाँ बांधी और जवानों ने ये इनकी हिफाजत की ज़मानत ली। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि आज के त्यौहार की क्या अहमियत है। और इसीलिए शहीद मेजर रोहित मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन ने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, जिसमें कर्नल अविनाश, लेफ्टिनेंट कर्नल करण साहब जो 25 RR के और 25 RR के जवानों को यहाँ पे राखियाँ बांधी गई हैं। और इसके साथ साथ मैं पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान को आज रक्षाबंधन के दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं तमाम दोस्तों को और ख़ासकर मैं आपका जो मीडिया, आप यहाँ पे आए टाइम निकाल के, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एज ए चेयरमैन आपने
यहाँ की कवरेज की, और मैं समझता हूँ कि मीडिया ही एक वाहिद जरिया है कि जिसकी आवाज़ देश के कोने कोने तक पहुँचती है, और यही हमारा मकसद था आज यहाँ पे जवानों को हौसला अफजाई करनी। और क्योंकि इस वक्त जवान कोई तमिलनाडु का है, कोई केरला का है, कोई बिहार का है, हमारे सरहदों पे जो ड्यूटी दे रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। गुड न्यूज फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर गर्ल्स इंस्टीट्यूट परेपोरा श्रीनगर, एन एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट रन बाय वुमेन For women, is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls, along with free study material, and hostel facility will also be provided to girl students. Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600-504-060 or 8899-905610.